नमस्कार, मैं उप्रिया। आज है 1 अगस्त। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अब बिहार पुलिस ऑनलाइन सुनेगी आपकी परेशानी। बिहार के व्यापारियों को रेलवे ने दी खुशखबरी। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की हुई घोषणा। सुनील पाल के कमेंट पर मनोज बाजपेयी ने दिया जवाब। से बदल जाएंगे ये नियम। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। कोरोना को लेकर हाईकोर्ट दिखी सख्त। कोरोना संक्रमण को लेकर पटना हाईकोर्ट बीते दिनों से सरकार से कई सवाल जवाब करते आ रही है। इसी कड़ी में बीते दिन एक बार फिर से पटना हाईकोर्ट ने संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए 9 अगस्त तक राज्य सरकार से जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था और वहां मरीजों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं का ब्यौरा तलब किया है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और अन्य की तरफ से दायर जनहित याचिका पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया है। साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं, कार्यरत डॉक्टर, कर्मचारी और अन्य कर्मियों का पूरा ब्यौरा भी मांगा है। हालांकि इस दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को यह बताया है कि तीसरी लहर को देखते हुए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं। अब बिहार पुलिस ऑनलाइन सुनेगी आपकी परेशानी। कोरोना के माहौल में बिहार पुलिस भी एडवांस मोड में काम कर रही है। आज के समय में तकनीक की मांग को बढ़ता देखकर अब बिहार पुलिस भी लोगों की शिकायत सुनने के लिए तकनीक का सहारा लेने वाली है। इसी क्रम में जल्द ही अब आम लोग अपनी शिकायतें सीधा वेबसाइट के माध्यम से पुलिस अधिकारियों तक पहुंचाने वाले हैं। इसको लेकर वेबसाइट का नया लेआउट सामने आ चुका है और जल्द ही बाकी सुविधाएं भी लोगों के लिए मुहैया हो जाएंगी। इतना ही नहीं, अब वेबसाइट के माध्यम से सभी मामलों की बराबर जानकारी थानों को रहेगी और किन किन शिकायतों का निपटारा कर लिया गया है इसकी भी जानकारी मिलेगी। मिली जानकारी के अनुसार जारी किए गए नए लेआउट में आम लोगों की तरफ से आने वाली शिकायतों को मुख्य रूप से 9 कॉलम में बांटा गया है। लिमिटेड ने जूनियर असिस्टेंट के लिए निकाली भर्तियां। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जूनियर असिस्टेंट के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इस बाबत रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल मिलाकर 120 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की मांग की गई। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 15 अगस्त तक आधिकारिक वेबसाइट oil-india.com के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवेदन भरने वाले कैंडिडेट सरकारी मान्यता प्राप्त बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में 40% अंकों के साथ 10+2 पास होने चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट आदि की नॉलेज भी होना जरूरी है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे नागार्जुन की। नागार्जुन का जन्म ज्येष्ठ पूर्णिमा को वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा में हुआ था। यह उनका ननिहाल था। उनका पैतृक गांव वर्तमान दरभंगा जिले का तरौनी था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। नागार्जुन हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। उनके भाषाओं के ज्ञाता तथा प्रगतिशील विचारधारा के साहित्यकार नागार्जुन ने हिंदी के अतिरिक्त मैथिली, संस्कृत एवं बांग्ला में मौलिक रचनाएं भी की हैं तथा संस्कृत, मैथिली एवं बांग्ला में अनुवाद कार्य भी किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नागार्जुन ने मैथिली में यात्री उपनाम से लिखा था तथा ये उपनाम उनके मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र के साथ मिलकर एकमेक हो गया था। पंचायत चुनाव में विरोधियों के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जारी है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग भी इसी कोशिश में है कि पंचायत चुनाव का आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जाए। इसी क्रम में आयोग ने आगामी चुनाव में भाग्य आजमाने वाले उम्मीदवारों को आगाह किया है कि वोट पाने के लिए धार्मिक, सांप्रदायिक या भाषाई भावनाओं का सहारा लिया तो उनकी खैर नहीं रहेगी। इसके साथ ही चुनाव के दौरान किसी प्रत्याशी के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की भी आलोचना पर रोक रहेगी जिनका संबंध उनके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों में नहीं होगा। ऐसे आरोप भी नहीं लगाए जाएंगे जिनकी सत्यता स्थापित ना हुई हो। बिहारवासियों को मलेरिया से बचाने की है पूरी तैयारी। कोरोना के माहौल के बीच मलेरिया को लेकर स्वास्थ्य विभाग के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि बिहार के कई इलाकों में बारिश के कारण जल जमाव हो गया है। ऐसे में मच्छरों की संख्या भी बढ़ने लगी है। इसी बीच अब स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया है, जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी लोगों से धैर्य रखने की अपील की है। साथ ही ये भी बताया है कि बरसात के मौसम में मच्छरों से फैलने वाले रोगों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसके रोकथाम को लेकर आवश्यक तैयारी की गई है। इस बाबत प्रभावित और संभावित क्षेत्रों में DDT का छिड़काव भी किया गया है। जून से अक्टूबर तक ऐसे क्षेत्र की पहचान कर लगातार DDT का छिड़काव करवाया जा रहा है। राज्य के 7 ऐसे जिले हैं जहां मलेरिया के लगभग 80% मामले मौजूद है, जिसमें गया, कैमूर, मुंगेर, औरंगाबाद, नवादा, रोहतास और जमुई का नाम शामिल है। आयुष्मान कार्ड
मामले में मिल रही शिकायतों में बिहार का पांचवा स्थान। केंद्र सरकार की तरफ से लोगों की सहूलियत के लिए आयुष्मान कार्ड को जारी किया गया था, जिससे लोगों को मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी। हालांकि सच्चाई इससे ठीक उलट है। सरकार की तरफ से भले ही लोगों को आयुष्मान कार्ड जारी की गई हो, लेकिन व्यवस्था इतनी लचर है कि लोगों के पास आयुष्मान कार्ड रहते हुए भी वो अपना कैशलेस इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, जिसकी शिकायत भी लगातार सामने आ रही है। वहीं शिकायत के मामले में बिहार पूरे देश में पांचवें स्थान पर है। 27 जुलाई को जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान कार्ड से जुड़ी देश भर में 2107 शिकायतें सामने आई हैं, जिसमें से बिहार में केवल 214 शिकायतें मिली हैं। जदयू के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की हुई घोषणा। जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, इसका जवाब मिल गया है। आपको बता दें, जदयू से सांसद ललन सिंह को जदयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। बताया तो ये भी जा रहा था कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो नीतीश कुमार का बेहद खास होगा। आपको बता दें कि ललन सिंह के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम लिया जा रहा था। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ ही ललन सिंह के बीच में किसी एक का चयन करना था, जिसमें ललन सिंह का चयन किया गया। व्यापारियों को रेलवे ने दी खुशखबरी। अब कहीं से भी बस एक क्लिक पर दूर दराज बैठे बिहार के व्यापारियों को गुड्स शेड का पता चलेगा। इतना ही नहीं, वहां से उसके व्यापारियों के पास कितने देर में माल पहुंच जाएगा, इसकी भी अब सटीक जानकारी मिलेगी। इस बाबत व्यापारियों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर पूर्व मध्य रेल की वेबसाइट ecr.indianrailways.gov.in पर मैप आधारित गुड्स शेड की एकीकृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई है, जिसके तहत ही गुड्स शेड निर्देशिका ने अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत पूर्व मध्य रेल के पांचों मंडलों के माल गोदाम को सूचीबद्ध किया गया है, जिसके बाद अब एक क्लिक पर ही व्यापारियों को सारी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शिकायत का दिखा असर। सालों बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार का एक बार फिर से शुभारंभ कर दिया है, जिसमें कई लोगों ने अब तक अपनी शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि राहत की बात यह है कि जनता दरबार के बाद लोगों की समस्याओं का समाधान निकाला जाने लगा है। शिकायत के 10वें दिन ही नालंदा में शासन हरकत में आ गई है और अब 8 एकड़ जमीन को सालों भर जल जमाव से मुक्ति की पहल भी शुरू कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि गिरियक बाजार के सटे किसानों की लगभग 8 एकड़ जमीन में कई साल से पूरे बाजार का गंदा पानी गिर रहा था, जिससे उसमें कुछ भी उपजाना संभव नहीं था। बरगहिया नाला जाम पड़ा था, जिसकी शिकायत ही जनता दरबार में की गई थी और अब इन शिकायतों का असर भी दिखने लगा है। मोबाइल ऐप पर अब एक क्लिक में सुलझ जाएंगे जमीन से जुड़े मामले। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग भी तकनीक के रास्ते पर चल पड़ा है। यही कारण है कि विभाग की तरफ से ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करने के लिए बने सॉफ्टवेयर में सुधार किया गया, साथ ही जमाबंदी देखने में हो रही परेशानी को भी दूर कर लिया गया है और इसे मोबाइल फ्रेंडली बनाने की कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन सेवाएं देने के लिए बनाई गई वेबसाइट biharbhumi.bihar.gov.in को नए क्लेवर और नए डिजाइन के साथ आम लोगों के लिए जारी किया गया है, जिसको की मंत्री रामसूरत राय ने अपने कार्यालय कक्ष में डिजिटली लॉन्च किया, जिससे कि अब यह सॉफ्टवेयर आम नागरिकों के इस्तेमाल के लिए सटीक बन गया है। चांदन नदी के तेज बहाव से डायवर्जन हुआ ध्वस्त। पिछले साल ही बांका जिले के चांदन नदी पर 1 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करके डायवर्जन बनाया गया था, लेकिन बीते दिन पानी के ज्यादा बहाव के कारण यह डायवर्जन बह गया, जिससे लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। डायवर्जन के बहने के कारण लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसको लेकर विधायक राम नारायण मंडल ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि डायवर्जन को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाने के लिए डीएम से बात हुई है, ताकि लोगों की परेशानी कम हो। जिला प्रशासन के अधिकारियों का ध्वस्त डायवर्जन पर नजर है। नदी में पानी के कम होते ही इसे दुरुस्त करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 2 अगस्त तक बारिश को लेकर जारी हुआ अलर्ट। शुक्रवार से ही बिहार के विभिन्न जिलों में बारिश की अच्छी खासी स्थिति देखने को मिल रही है, जिसके कारण बिहारवासियों को बारिश रुकने के कारण हो रही गर्मी के एहसास से निजात मिला है। मगर हम आज की बात करें तो आज भी मौसम वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी किया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के एक अधिकारी की माने तो 2 अगस्त तक राज्य में व्यापक बारिश की भविष्यवाणी की गई है। यही कारण है कि मौसम वैज्ञानिकों ने बिहार में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के एक अधिकारी की माने तो अगले 48 घंटे में तटीय बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल पर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जिससे पश्चिम बंगाल झारखंड बिहार में मॉनसून के और ज्यादा प्रबल होने की संभावना है। सुनील पाल के कमेंट पर मनोज बाजपेयी ने दिया जवाब। हाल ही में कॉमेडियन सुनील पाल ने मनोज बाजपेयी और उनकी फैमिली मैन सीरीज को लेकर बहुत ही बुरा भला कहा था, जिसके तहत उन्होंने मनोज बाजपेयी को गिरा हुआ इंसान तक करार कर दिया था। साथ ही मनोज बाजपेयी पर आपत्तिजनक फिल्मों का हिस्सा बनने का आरोप लगाया था, जिस पर ही मनोज बाजपेयी ने भी रिएक्ट किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि लोगों के पास काम नहीं है। मैं इस बात को पूरी तरह समझता हूं। मैं खुद इस स्थिति में आ चुका हूं, लेकिन इस स्थिति में आने के बाद लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। आपको बता दें,
हाल ही में राजकुंद्रा के आपत्तिजनक फिल्म बनाने के मामले में फंसने के बाद ही उन्होंने आपत्तिजनक फिल्म बनाने को लेकर टिप्पणी की थी, जिसको लेकर ही अब जाकर उन्होंने अपना बयान जारी किया है। पटना में झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के लिए बनेगी इमारत। सुशासन के कार्यक्रम 2020 से 25 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत शहरी गरीबों को बहुमंजिला भवन बनाकर पक्का मकान दिलाने की योजना बनाई गई है, जिसकी घोषणा बिहार के उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास और आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने की। तारकिशोर प्रसाद की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार इसी योजना के तहत पटना नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर स्थित स्लम बस्तियों में रह रहे शहरी आवासहीन परिवारों को भी आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। आपको बता दें, दीघा के विधायक संजीव चौरसिया ने पटना नगर निगम के सीमा क्षेत्र में स्लम बस्तियों में रहने वालों को विस्थापित करने से पहले उनके रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कराने की मांग राज्य सरकार से की थी, जिसके जवाब में ही उन्होंने उक्त बातें कही हैं। पंचायत चुनाव वोटिंग के अगले ही दिन आ जाएगा रिजल्ट। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अब तक कई सारी घोषणाएं कर दी हैं। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव करवाने के साथ ही रिजल्ट की घोषणा करने का ऐलान किया है, जिसके तहत अब मतदान के अगले ही दिन मतों की गिनती करना शुरू हो जाएगा। यही नहीं, चुनाव के दौरान गायब रहने वाले चुनावी अधिकारी और कर्मचारी पर पंचायती राज अभियान के तहत FIR दर्ज कराने की भी चेतावनी दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की यही कोशिश है कि पंचायत चुनाव का आयोजन और परिणाम की घोषणा इस बार समय पर करवा दिया जाए। बिहार में COVID-19 के मिले 50 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 44 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 456 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 2, अरवल में 1, औरंगाबाद में 1, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 2, दरभंगा में 1, गया में 2, कटिहार में 1, खगड़िया में 1, किशनगंज में 1, लखीसराय में 1, मधेपुरा में 1, मुजफ्फरपुर में 1, नालंदा में 1, मुंगेर में 1, नवादा में 1, पटना में 5, पूर्णिया में 2, रोहतास में 3, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 5, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 2, सिवान में 1, सुपौल में 1, वैशाली में 1 मामले की पुष्टि हुई है। वहीं बांगा, भोजपुर, बक्सर, ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, मधुबनी, सारण, शेखपुरा, वेस्ट चंपारण में 1 भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 161,055 सैंपल की जांच की गई, वहीं 45 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। आज से बदल जाएंगे ये नियम। आज से एक नए महीने की शुरुआत हो रही है। वहीं नए महीने की शुरुआत के साथ ही कई नए नियम भी आज से लागू होने वाले हैं, जिसके तहत ही डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट वाले निवेशकों ने अगर शनिवार को KYC पूरा नहीं किया तो उनके अकाउंट 1 अगस्त से निष्क्रिय हो जाएंगे। आज से सैलरी, पेंशन और EMI का भुगतान 2400 घंटे यानी कि छुट्टी के दिन भी होने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरे बैंक के ATM से कैश निकालने पर लगने वाली इंटरचेंज फीस 15 से बढ़ाकर 17 रुपए करने का ऐलान किया था। उसके मुताबिक गैर वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए इंटरचेंज फीस 5 से बढ़कर 6 रुपए होगी। करीब 9 साल बाद यह फीस बढ़ी है, जो कि आज से लागू हो गई है। 1 अगस्त से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ग्राहकों के डोर स्टेप बैंकिंग के लिए चार्ज लेगा। चुनिंदा प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए हर रिक्वेस्ट पर 20 रुपए और अतिरिक्त GST देना होगा। टोयोटा ने इनोवा क्रिस्टा की कीमतों में 2% इजाफे का ऐलान आज से कर दिया है। तेजस्वी यादव ने दूसरी डोज लगवाते ही जदयू और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कही बड़ी बात। बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। वहीं दूसरी डोज लगवाने के साथ ही उन्होंने जदयू और उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर निशाना साधा, जिसके तहत जब मीडिया कर्मियों ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदलाव को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष लगातार बदले जा रहे हैं, यह उनकी पार्टी है, इस पर हमारा कुछ कहना तो उचित नहीं है क्योंकि यह उनका आंतरिक मुद्दा है। हालांकि इस संबंध में एक बड़ी बात उजागर हुई है कि उपेंद्र कुशवाहा को जदयू पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। पार्टी की नियमावली में ऐसी कोई कुर्सी या प्रावधान ही नहीं है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पार्लियामेंट्री बोर्ड का चेयरमैन होता है। जनसंख्या नियंत्रण और जातीय जनगणना को लेकर KC त्यागी ने दिया बयान। जदयू के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव KC त्यागी ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में हुई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद अपना जनसंख्या नियंत्रण और जातीय जनगणना को लेकर बयान दिया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों की आइडेंटिफिकेशन के लिए जस्टिस जी रोहिणी कमीशन बना है। उनकी सिफारिशों को प्रकाशित किया गया ताकि वंचित समाज की संख्या का पता चल सके और उनका विकास सशक्तिकरण ठीक से हो पाए। इसकी मांग हम केंद्र सरकार से करते हैं। वहीं जनसंख्या के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती हुई जनसंख्या चिंता का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं हम उसका स्वागत करते हैं। साथ ही इस दिशा में लोगों को जागरूक भी करना चाहिए, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए।
सुशील मोदी ने बिहार में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाए जाने की कही बात। राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बीते दिन बिहार के कई अस्पतालों में डॉक्टरों की हो रही कमी पर अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए ही नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने MBBS की 60% और PG की 80% सीटों को बढ़ा दिया है। यह प्रयास निरंतर जारी है कि अधिक से अधिक चिकित्सक उपलब्ध हो। उनकी बहाली की प्रक्रिया भी बहुत सरल कर दी गई है। अब तो इंटरव्यू भी नहीं होता है, सीधे डिग्री के साथ नौकरी दी जा रही है। ऐसे में आने वाले समय में यही उम्मीद जताई जा रही है कि डॉक्टरों की हो रही कमी से बिहार को जल्द से जल्द निजात दिलवाई जा सके। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। स्वतंत्रता सेनानी तथा आयरन लेडी के नाम से मशहूर श्रीमती एनी बेसेंट को 1916 में बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से होम रूल लीग की शुरुआत की थी। महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत आज के दिन से की थी। इसी साल उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त केसर ए हिंद पुरस्कार को लौटाया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में शक्तियों का बंटवारा आज के दिन हुआ था। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में सफदरजंग में राष्ट्रीयकृत एयरवेज का उद्घाटन आज के दिन किया था। देश में सभी एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण 1953 में आज के दिन हुआ था। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957 में आज के दिन हुई थी। आचार्य विनोबा भावे को 1958 में रमन मैगसेस पुरस्कार आज के दिन दिया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव को 1992 में विजाग स्टील प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया था। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का जन्म 1899 में आज के दिन हुआ था। विद्वान गणितज्ञ दार्शनिक और भारतीय राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन 1920 में आज के दिन हुआ था। आधार कार्ड खो जाने पर भी अब नहीं आएगी कोई दिक्कत। आधार कार्ड आज के समय में हर उम्र के लोगों के लिए एक अहम दस्तावेज में से एक है। बिना आधार कार्ड के कोई भी सरकारी या प्राइवेट काम करना काफी मुश्किल है। इस बाबत UIDAI ने ट्वीट कर बताया है कि अब लोग आधार कार्ड नहीं होने पर भी कई ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकार ने बताया है कि आधार लेटर, ई आधार, एम आधार या आधार PVC कार्ड सभी समान रूप से मान्य और स्वीकार्य है। सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ को मिली हरी झंडी। भारतीय टीम के दो खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ को श्रीलंका के खिलाफ खेले जाने वाले मैच के लिए इंग्लैंड से बुलाया गया था। हालांकि कृणाल पांड्या के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दोनों खिलाड़ियों को आइसोलेशन में रखने की बात हुई थी। साथ ही इनके इंग्लैंड में खेले जाने वाले मैच पर भी संशय की स्थिति देखने को मिल रही थी। हालांकि अब इस मुद्दे को लेकर BCCI ने अहम जानकारी साझा की है। क्रिकबस की खबर के अनुसार भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इन दोनों खिलाड़ियों को शनिवार को इंग्लैंड रवाना होने के लिए हरी झंडी दे दी है। एलीट स्पोर्ट्स पर्सन के आने को लेकर ब्रिटेन की सरकार द्वारा दी गई छूट के चलते इन दोनों खिलाड़ियों के इंग्लैंड जाने का रास्ता साफ हुआ है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 31 जुलाई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,610 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,610 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 67,900 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो पेट्रोल के दाम 104.25 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.51 रुपए प्रति लीटर था। विधानसभा अध्यक्ष ने ऑक्सीजन प्लांट का लिया जायजा। बीते दिन विधानसभा अध्यक्ष सह स्थानीय विधायक विजय कुमार सिन्हा ने DM संजय कुमार सिंह के साथ लखीसराय के सदर अस्पताल परिसर में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लिया, जिसके तहत सदर अस्पताल परिसर में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण शुरू कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की किल्लत ने देश सहित सभी राज्यों में तबाही मचाई थी। ऐसे में कोरोना के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बिहार सरकार पहले से ही ऑक्सीजन की व्यवस्था को दुरुस्त करने की पहल में जुट गई है। यही कारण है कि सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना का काम शुरू कर दिया गया है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है चंदन कुमार, पंकज कुमार, गौतम कुमार, अनुराग कुमार, सुमित कुमार, प्रियांशु सिंह, अमन सिंह, सहाना कुमार, पप्पू कुमार, अमलेश कुमार, रंजीत कुमार, उदय कुमार, कोमल कुमारी, प्रमोद कुमार, रविंद्र कुमार, आतिक खान, सज्जाद खान, विनोद कुमार राज, रानी गुप्ता। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का जदयू का फैसला सही है या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।